Hey guys, welcome back to my channel, Makeup by Neha. कैसे हो आप सब? I really hope कि आप सब अच्छे ही होंगे. तो guys, मेरी आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के एक प्रोडक्ट का रिव्यू. तो guys, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आप सबके साथ इसके स्पॉजेस से लेके इसे अपने फेस पे आपको ट्राई करके दिखाऊंगी. लाइक पूरी डिटेल में आप सबके साथ इस प्रोडक्ट की शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. guys, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा क्लब्ड एंड कॉन्टोर किट, जो कि इस तरह की पैकेजिंग के साथ ही है. एंड इसमें जो मेरी शेड है वो है अल्ट्रा फेयर 01. सो एज यू कैन सी, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुआ है. एंड मैंने इसे पर्पल से मंगाया है, purple.com से. तो गाइस, बात करेंगे कि किस तरह की पैकेजिंग के साथ आती है और अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वर्दी है या फिर you know, आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं. किस तरह का ये प्रोडक्ट है, इसका फुल रिव्यू प्लस पर्चेज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी. प्लस अपने फेस पे मैं आप सबको इसे ट्राई करके दिखाऊंगी, बिकॉज एज यू कैन सी मेरे फेस पे मैंने मेकअप किया है अभी, बट यहाँ पे मैंने हाइलाइटर, ब्लश एंड कॉन्टोर्स स्किप किया है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ देर बाद. तो गाइस, कुछ उस तरह की पैकेजिंग के साथ ये मुझे रिसीव हुआ है. पहली चीज, अगर आप पर्पल से या अमेजोन से कुछ भी मंगाते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि मैं कितनी ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, तो दोनों जगह से काफी ज्यादा सेफ्टी के साथ आपको प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे. तो गाइस, कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ है ये. तो गाइस, बात करें कि आपको ग्लास पैकेजिंग के साथ रिसीव हो रहा है या फिर ये प्लास्टिक पैकेजिंग है, तो ये प्लास्टिक पैकेजिंग है, बट अगर आपके हाथ से ये छूटता है तो भाई टूट जाएगा, क्रैक पड़ जाएगा. ये नहीं टूट सकता, जस्ट इसमें आपको क्रैक पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ से ये जोड़ आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये पूरा टूट सकता है. तो मेक श्योर की सेफ्टी के साथ इसे जब आपको पार्सल रिसीव हो तो ओपन करें एक्साइटमेंट में, क्योंकि मेरे साथ कई बार होता है मैं पार्सल जो भी रिसीव हुआ होता है उसको वहीं तोड़ देती हूँ. तो गाइस, कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ है ये. बाहर आपको लिखा हुआ है रेवोल्यूशन मेकअप रेवोल्यूशन लंडन, एंड इस तरह से है ये. तो यहाँ पे आपको जो मेरी शेड है ये है 01 C01, तो यहाँ पे इस तरीके से है ये. यहाँ पे आपको ब्लश मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है एंड कॉन्टोर मिल रहा है. तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन के अकॉर्डिंग मंगाया, बट आई थिंक ये अल्ट्रा फेयर स्किन के लिए है और मेरी स्किन फेयर है, तो मुझे इसे एक शेड डार्कर मंगानी थी, बट स्टिल ठीक है. तो गाइस, कुछ इस तरह से है ये. नाउ यहाँ से ओपन करने के बाद फ्रंट पे आपको एक छोटा सा मिरर मिलता है, जिसपे अगर आप इसे फेस पे कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ये ट्रैवल फ्रेंडली हो जाता है, तो साथ में आपको मिरर कैरी नहीं करना पड़ेगा. छोटा सा आपको मिरर मिल रहा है. नाउ इसके बाद यहाँ पे है हमारा ब्लश, नाउ हाइलाइटर, देन इसके बाद ब्रॉन्जर. नाउ इसके बाद बैक साइड पे क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो एक बार बता देती हूँ. तो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है ये अल्ट्रा स्क्लब एंड कॉन्टोर किट है, जो कि अल्ट्रा फेयर स्किन के लिए है, C01 के लिए शेड है इसकी. इसमें आपको तीन चीज़ें मिल रही है, 3 ब्रॉन्ज एंड ब्लश पाउडर्स, जो कि है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. नाउ इसके बाद अब बारी आती है कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं भाई वो कितने टाइम तक हमारा स्टे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी वगैरह. तो गाइस, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये है मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, June 2019. देन इसके बाद जब ये इंपोर्ट हुआ वो मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है July 2019. नाउ इसके बाद है एक्सपायरी डेट, जो कि है May 2022. तो काफी टाइम तक आप इसे यूज कर सकते हैं. जो इसका नेट वेट है वो है 10.8 ग्राम. कुछ इस तरह से ये पैकेजिंग के साथ आते हैं. बात करें इसके प्राइस की तो ये 850 rupees का है, बट Amazon पे और पर्पल पे आपको डिस्काउंट प्राइस के साथ मिल जाएगा. बाइंग लिंक आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना. ना इसके बाद अब बारी आती है इसके टेक्सचर की. तो गाइस, सबसे पहले हम ब्लश चेक करेंगे. सो अपनी फिंगर की हेल्प से ही मैं चेक कर रही हूँ कि भाई ये किस तरीके से आता है. ये आपको मैटिफाई फॉर्म में आता है, लेकिन जिस तरीके से हाइलाइटर आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट देता है ना, तो ये जो ब्लश शेड है ना कुछ इस तरीके से इफेक्ट दे रही है, एज यू कैन सी. नाउ इसके बाद अब बारी आती है जो हाइलाइटर है. This is amazing. Look at the shade. मतलब कितना अच्छे से हल्का सा मैंने लिया, बहुत ही अच्छे से ये लगा है. As you can see, blush भी इसी तरीके से जैसे हमारा highlighter यहाँ पे glow कर रहा है ना, blush भी थोड़ा थोड़ा glow कर रहा है, ज़्यादा नहीं but बोलेंगे कि हाँ glow कर रहा है. और इसमें जो chunky particles होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ इसकी खास बात हो जाती है, because chunky particles वाले ना मुझे बहुत कम पसंद आते हैं. ना इसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे bronzer की, and यहाँ पे bronzer पे bronzer लिखा हुआ है, blusher पे blusher लिखा हुआ है एंड हाइलाइटर पे हाइलाइटर लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट शेड में यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जर की. नाउ यहाँ पे मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई किया है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया मेरी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट आ गया है, तो ये देखिए काफी अच्छा है, आपकी स्किन को मैटिफाई करता है. नाउ गाइज, यहाँ पे मैंने आपको हैंड स्वॉचेस दे दी है, एंड गाइज हाइलाइटर बेहद ज्यादा अमेजिंग है. नाउ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एंगल ब्रश यूज कर रही हूँ, जिस
सो मैंने इसे अच्छे से फेस पे लगा लिया है। नाउ इसके बाद में यूज कर रही हूँ ब्लश ब्रश की हेल्प से ब्लश। अगेन आपको एकदम से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, डैप डैप आपको करना है। डैप डैप इन दी सेंस की जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो हट जाएगा। बिकॉज इससे एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। नाउ गाइज यहाँ पे ब्लश कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद जो हाईलाइटर है हम वो यूज करेंगे। इसके लिए मैं बिग फैन ब्रश यूज कर रही हूँ, अदरवाइज आप यहाँ पे स्मॉल फैन ब्रश भी यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद चाहे तो हाईलाइटर अपनी फिंगर की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइज, लुक एट द ग्लो आपको दिख रहा है। एंड आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिए और अब देखिए मेरे फेस पे एक शार्प लुक आपको दिख रहा होगा, प्लस नोज आपको पूरी अच्छे से सेट दिख रही होगी। ब्लश और हाईलाइटर ब्रॉन्जर से बहुत ही ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो गाइज आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, मेरी तरफ से तो भाई एक बिग थम्स अप है। बिकॉज जो इसका टेक्स्चर है ना वो इस तरीके से, इस पे बिल्कुल भी चंकी टाइप के पार्टिकल्स नहीं है। आप इस प्रोडक्ट को डे टाइम में भी आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो जिसमें चंकी पार्टिकल्स होते हैं फेस पे थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट आता है कि स्पार्कल स्पार्कल टाइप में लगा हुआ है, तो वो डे टाइम में इतना ज्यादा मुझे भाई नहीं पसंद है। आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली वो भी ले सकते हो, बट अगर मुझसे पूछे तो भाई मुझे डे टाइम में इस तरह का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि सोचो मैंने ब्लश लगा रखा है और छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें है, तो डे टाइम में ना एक नेचुरल वाला लुक नहीं आता। जबकि ये वाला जो मैंने अप्लाई किया है गाइस, ये देखिए इससे बहुत ज्यादा नेचुरल टाइप में लुक आ रहा है, बहुत ज्यादा क्यूट ये लग रहा है। तो गाइस ये आप डेफिनेटली ले सकते हैं, इसमें आपको शेड्स भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे अल्ट्रा फेयर शेड ले ली है, आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे शेड लेना। तो गाइस ये था मेरा इस प्रोडक्ट का फुल रिव्यू। आई रियली होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी रिव्यूज वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो मुझे कॉमेंट्स करके बताना। सो गाइस मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाई।